डियर स्टूडेंट्स, दिस इज यूनिट 5, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की डेथ हो गई दोस्त, बहुत दुख हो रहा है। सो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा जी, अब आप सोच रहे हो कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। पार्टनर है ए, बी एंड सी। तीनों पार्टनर ने मिलकर जॉइंट लाइफ, कि भाई कोई भी मर सकता है, ए भी पहले मर सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, किसे क्या पता कौन कब चला जाए। अब जो भी जाए पैसा फर्म को मिलेगा, ठीक है। सो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको जब हम लोग आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे कि ये एक्सेस मनी कहाँ से आया, क्यों आ रहा है। फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। तो पैसा आएगा, और पार्टनरशिप में करना क्या रहता है कि जो भी पैसा आएगा वो बटेगा। पार्टनरशिप का मतलब अभी अकेला इंसान नहीं खा सकता, मिल बांट के खाना है। अब बहुत दुख का बात है कि डेथ हो गया एक पार्टनर का, और कुछ जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने ले रखा था और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए। सो इसमें अपने को क्या करना है, लर्न द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी पार्टनर का डेथ होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देगा फर्म को, और एज स्टूडेंट्स वी हैव टू रिकॉर्ड दिस JLP का जो पैसा आया, और इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो एकदम सिंपल सोबर। उसके बाद अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस। अभी तो हमने जर्नल एंट्री किया, रिकॉर्ड किया, डेथ हो गया, पैसा आया, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन मतलब हिसाब किताब, ठीक है। इफ डेथ ऑफ अ पार्टनर टेक्स प्लेस एट एनी डेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब भैया फिक्स तो कर नहीं सकते हैं कि हम 31 मार्च को ही मरेंगे, क्यों नहीं, नहीं बुक्स क्लोज होता ना उस दिन, तो हिसाब किताब करने में दिक्कत नहीं आएगी। भैया हम तो 31 मार्च को मरेंगे, ठीक है, 1 अप्रैल से आप लोग एकदम आराम से अकाउंट्स करिएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो एनी डेट, कोई भी डेट में पार्टनर मर सकता है। अब पार्टनर जिस डेट को मर गया, उसके पहले का जब तक वो पार्टनर था तब तक का हिसाब, मरने के बाद का, भाई अब तब तुम मर गए हो तब तुमको हम लोग प्रॉफिट दें नहीं दें, अरे तुम कुछ काम कर ही नहीं रहे तो प्रॉफिट कैसे दें। मगर मेरे तो पैसे आपके पास है, तो ये सब बातें सामने खड़ी होके आती है, ठीक है जी। लर्न टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन एंड हाउ टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ प्रॉफिट टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड मतलब जो पार्टनर मर गया है, फॉर द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फॉर द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अगर लेट्स से जुलाई में पार्टनर मरा है, 1 अप्रैल से अकाउंट शुरू हो रहा है, तो किस तरह से मरने के डेट तक और मरने के बाद। एग्जीक्यूटर मतलब जो मरे हुए पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी पैसा देना है हमें इन्हें देना है। बी फेमिलियर विद द अदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर विच आर सिमिलर टू द एक्सप्लेन्ड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट से सिमिलर है, ये सब भी हम लोगों को देखना है, देख लेंगे। सो
डेथ से रिलेटेड यूनिट ओवरव्यू अपने को इंस्टीट्यूट क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। व्हाई विल वी रीवैल्यू? देखो बुक्स में हमने एक लैंड खरीदा था, लैंड को बुक वैल्यू 1 करोड़ रुपया का है, मगर आज का लैंड का कीमत है, ये तो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट में अकाउंटिंग करते हैं, आपको याद होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस समय हमने ज़मीन खरीदा था उस समय हमने 1 करोड़ का खरीदा था, बट अपने सबको पता कि लैंड का वैल्यू आज 10 करोड़ हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया, तो 1 से 10 को कहते हैं री वैल्यू। मतलब पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा वो 1 करोड़ पर नहीं मिलेगा, वो 10 करोड़ पे मिलेगा। पार्टनर तो मर गया, तो मर गया तो कोई बात नहीं, उसके जो एग्जीक्यूटर है उसको जो हिस्सा मिलेगा वो 10 करोड़ का वैल्यूएशन पे मिलेगा, इसे कहते हैं री वैल्यूएशन। री वैल्यूएशन हम करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ JLP एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसीज। JLP मतलब हो गया जॉइंट, और अगर कोई सेपरेट पॉलिसीज है तो उसको भी कैसे ट्रीट करेंगे ये भी अपने को ध्यान रखना है। पेमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर्स, डिसीज मतलब मरे हुए पार्टनर का जो शेयर अपने को देना है। प्रॉफिट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे हमने 1 करोड़ का ज़मीन को 10 करोड़ का वैल्यू किया तो जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि ये 1 करोड़ का ज़मीन जब खरीदा था उस समय A, B और C तीनों पार्टनर्स थे, तो अब ये 1 करोड़ अगर 10 करोड़ का हुआ तो इसको फ़ायदा किसको मिलना चाहिए? A, B और C को ही मिलना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व, जो प्रॉफिट नहीं बांटते हैं हम लोग उसे कहते हैं रिज़र्व, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं बटा था बट अब भैया ए तो मर गया है, ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट नहीं बटा था ए का जो हिस्सा है उसको तो देना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व या गुडविल, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू डेड पार्टनर, तो ये सब सारा जो भी उसका है उसे मिल जाना चाहिए, अब उसे नहीं तो उसके एग्जीक्यूटर को या उसके परिवार के मेंबर को, सदस्य को। तो मोर ऑर लेस डेथ के बाद क्या क्या मिलना चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिया है। इंट्रोडक्शन। बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में नॉट कम टू एन एंड ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर। मे नॉट कम टू एन एंड, मे नॉट मतलब पार्टनर मर गया तो भी बिजनेस आगे चलेगा। एज इट इज नोन एज रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रीकॉन्स्टिट्यूशन ये अच्छा वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म रीकॉन्स्टिट्यूट हो गया। रीकॉन्स्टिट्यूट मतलब वापस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है। अदर पार्टनर्स शैल कंटिन्यू टू रन द बिजनेस ऑफ द फर्म। कल तक A, B और C थे और इनका रेशियो था 2:2:1। ए नहीं रहे हैं और B और C है, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से B 3:2 में काम कर रहे हैं, B और C 3:2 में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। या वो बोल सकते हैं कि एक नया पार्टनर डी को ले लो भैया, ठीक है, 3:2:1 के रेशियो में काम करेंगे। वो आपस में इन लोगों को जो समझना है, ये इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो इनको अच्छा लगे वो ये करेंगे।
So this is called reconstitution of partnership. The problems arising on death of a partner are similar to those arising on retirement. तो ये भी आपके लिए एकदम easy हो गया कि जो समस्या retirement में है वही समस्या death में है. Assets and liabilities have to be revalued. वापस से repeat कर रहा हूँ. And the resultant profit or loss has to be transferred to the capital accounts of all partners, including the deceased partner. मर गया है तो क्या हुआ भैया, उसके हिस्से का सारा पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में, किसमें, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए. हम लोग भैया ईमानदार है, पार्टनर था, दिल था, जान था, धड़कन था, कोई बेईमानी कर ही नहीं सकते हैं. ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, पार्टनरशिप तो देखो दिल से बनता है, विश्वास से बनता है, और बल्कि जब पार्टनर मरने के अवस्था में भी रहता था उसे विश्वास रहता है कि मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो मेरे पार्टनर्स हैं, वो मेरे परिवार को मेरा पूरा हिस्सा एकदम पाई पाई बिना कोई नुकसान पहुंचाए दे देंगे. गुडविल इज डेल्ट विथ एग्जैक्टली इन द वे ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केस ऑफ रिटायरमेंट इन द अर्लियर यूनिट. मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट जो हमने रिटायरमेंट में आपको सिखाया था वही सेम टू सेम है. ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल ऑल्सो बी द सेम इन द केस ऑफ रिटायरमेंट. ये लो भैया, ये भी सब सेम है. अगर जब सब कुछ सेम है तो मैं इस चैप्टर को अगर छोड़ भी दूँ, स्किप भी कर दूँ, तो आप लोग अपने आप से कर सकते हो. हाउएवर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म वुड गेट द जॉइंट पॉलिसी वैल्यू. रिटायरमेंट में और डेथ में एक बेसिक डिफरेंस क्या है. रिटायरमेंट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी फर्म को नहीं देती है क्योंकि लाइफ पॉलिसी है, मरने पर देंगे. पार्टनर फर्म को छोड़ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देती है. मगर पार्टनर ने तो भैया दुनिया ही छोड़ दिया, पार्टनरशिप फर्म तो अपने आप ही छूट गया डेथ के कारण, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, आपको मतलब फर्म को पैसे देगी. तो यही डिफरेंस है. राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स. इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स. सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, पार्टनर तो चला गया मगर उसके बाद भी, चले जाने के बाद, डेथ के बाद भी जो फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पे भी राइट है. राइट, ध्यान दीजिए, राइट है. मैं हूं नहीं, मैं जिंदा नहीं हूं, मगर फिर भी मेरा अधिकार है, मेरे मरने के बाद भी मेरा अधिकार है कि अब तुम लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हो मेरे को मेरा प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाना चाहिए. अब एक बात बताइए, आप मेरे को कॉमन सेंस है, हम लोग जब प्रॉफिट देते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में एक तो हम लोग कैपिटल कोई लगाता है, पैसे लगाता है, तो उस पैसे के एवज में प्रॉफिट मिलता है. दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी मनी. और एक होता है इंसान अपना समय लगाता है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. तो मरने के बाद क्या कोई ह्यूमन कैपिटल लगा सकता है, जब वो है ही नहीं तो ह्यूमन कैपिटल तो नहीं लगेगा. ठीक है जी, तो क्या कैपिटल लगेगा, जो उनका पैसा था. तो पैसे से भी प्रॉफिट मिलता है और ह्यूमन कैपिटल से भी प्रॉफिट मिलता है. जैसे बहुत सारे पार्टनरशिप में ऐसे होते हैं, देखना, एक पैसा वाला बंदा जो समय नहीं देता है, मतलब मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा बिजनेस में, और मैं बोलता भैया मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो 25 लाख रुपया दूंगा, और फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग
let's say 50-50. आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये 1 करोड़ वाला भाई साहब जो है सिर्फ पैसे लगा रहा है, समय नहीं लगा रहा है। ये 25 लाख वाले भाई साहब पूरा पूरा समय लगा रहा है। तो इन लोगों ने डिस्कस किया, डिसाइड किया कि 50-50 या 60-40 या 70-30, जो भी ये आपस में डिसाइड करें। आइए पढ़ते हैं। एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम लोग काम करेंगे, अपने मनमर्जी काम नहीं करेंगे। वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज टू बी अ पार्टनर, अदरवाइज मतलब मरा नहीं है मगर अब वो पार्टनर नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। And the surviving or continuing partners carry on the business of the firm. Surviving or continuing, अगर मर गया है तो बाकी जो नहीं मरे उसे कहते हैं surviving. और if मैं partnership firm छोड़ दिया हूँ तो जो नहीं छोड़े हैं वो continue कर रहे हैं, ठीक है। तो मरने का opposite हुआ surviving, और छोड़ने के बाद जो continue करें उसे कहते हैं continuing, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को एकदम समझ में आना चाहिए, जिससे आप लोग आंसर्स लिख पाओगे अच्छे से। एंड द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये इम्पॉर्टेंट है, विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब ये प्रॉपर्टी जब फर्म का है और ए मर गया है तो इस प्रॉपर्टी में तो मेरा भी हिस्सा है भाई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, कैश जो है 1 करोड़ रुपया कैश है, मेरा हिस्सा 33 लाख का है, तो ये तो ट्रांसफ़र हो सकता है बैंक से, बट लैंड 1/3 लैंड मेरा है। अब वो 1/3 लैंड कैसे दे दें, उस पर तो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई हुई है, कैसे दे दें भाई। तो ये लैंड तो हम लोग यूज़ करेंगे, फर्म का प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा है, तुम नहीं रहे बट ये यूज़ करेंगे हम लोग। अगर यूज़ करोगे तो मेरे को मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, सिंपल सी बात। सो विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, या तो भैया आप एक काम करो, इस लैंड का वैल्यू कर लो, समझो बात को, इस लैंड का वैल्यू 6 करोड़ रुपया है, मेरा हिस्सा 1/3 था तो 2 करोड़ मेरा हिस्सा बनता है। अब अगर या तो मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, अब हिस्सा नहीं दे पा रहे हो तो मेरा जो 2 करोड़ रुपया का कैपिटल माना जाएगा यूज़ हो रहा है तो मेरे को उसका मुनाफा मिलना चाहिए, क्योंकि अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है। फाइनल सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एज बिटवीन देम एंड द आउट गोइंग पार्टनर, जो कंटिन्यू कर रहे हैं और जो मर गया है या जो छोड़ दिया है उनके बीच में कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, और हिज एस्टेट, देन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट इज एंटाइटल्ड एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स टू शेयर सच शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मेड सिंस ही सीज्ड टू बी अ पार्टनर एज मे बी एट्रीब्यूटेबल to the use of his share of property of the firm or to the interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm. ये भाषा आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल अगर बताया जाए, या तो मेरा एक शेयर होना चाहिए या मेरे को 6% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी मेरा वैल्यू है, जो भी मेरा शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फर्म है, ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, या मेरे को मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ द डिसीज्ड और आउटगोइंग पार्टनर। परचेज द इंटरेस्ट मतलब देखो भैया, इस जमीन पे मेरा 2 करोड़ का हिस्सा है, तुम लोग 2 करोड़ दे के खरीद लो ना,
झमेला खत्म करो, मेरे को 2 करोड़ दे दो, अब मेरा और तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया। अगर हिसाब पूरा नहीं करते हो तो 2 करोड़ पे 6% इंटरेस्ट दो या मेरे को मेरा प्रॉफिट का हिस्सा दो। एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज्ड, द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर और द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट एज द केस मे बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी फर्दर और अदर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तुम्हारा हिस्सा हमने खरीद लिया है, इसका मतलब तुमको तुम्हारा पैसा दे दिया गया है। अब जब तुमको तुम्हारा पैसा मिल गया है तो भैया अब तुमको कोई प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाला है। बट इफ एनी पार्टनर अज्यूमिंग टू एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन डज नॉट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स कंप्लाई विद द टर्म्स देयर ऑफ, ही इज लायबल टू अकाउंट अंडर द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अगर नहीं मिलता है तो भैया वो पैसा मिलना चाहिए। सो क्या होगा अल्टीमेटली, दिस वे द आउटगोइंग पार्टनर हैज द ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड ऑन अनसेटल्ड अकाउंट्स फॉर द पीरियड टिल हिज ड्यूज आर सेटल्ड बाय द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड टू द कॉन्ट्ररी। अगर कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया तो अलग बात है, अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो जो अनसेटल्ड अमाउंट है, अनसेटल्ड अमाउंट, मेरा पैसा को लेकर तुम लोग बिजनेस किए जा रहे हो और मैं क्योंकि अब नहीं हूं तो मेरे घर वाले का बात तुम लोग सुन नहीं रहे हो, उस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो अनसेटल्ड अमाउंट जो भी है उस पर मेरे को या तो 6% दो या मेरे को मेरा प्रॉफिट शेयरिंग दो। इट मे बी नोटेड दैट द आउटगोइंग पार्टनर is not bound to make election until the share of the profit that would be payable to him has been ascertained. Not bound to make election या selection होगा ये शायद, option क्या choose करना चाहते हो तो उसका बता दो तो हम बताएंगे कि हमको क्या करना है। सो सिंपल एग्जांपल अपने देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल आप लोग भी देखिए, हम भी देखते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, भूलिएगा मत कभी भी, अपने इसी फंडा पे चलते हैं। एक एक चीज़ को समझाना है आपको, क्योंकि सीए फाउंडेशन है, बेस कमज़ोर अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। C retires on 31st October 2017. October के बाद November, December, January, February, March. ठीक है। The capitals of the partners after all necessary adjustments stood at 50,000, 75,000 and 1,20,000 respectively. तो capital का सब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये समझ में आया कि ए बी एंड सी 50,000, 75,000 और 1,20,000। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फर्दर विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ सी। तो अगर सी का अपने बोल रहे हैं कि 1,20,000 है तो इसका मतलब ये 50 और 75 तो चलो ये बिजनेस कर रहे हैं, सी का भी 1,20,000 है क्या? हाँ ठीक है, सी का भी 1,20,000 यूज कौन कर रहा है? ए एंड बी यूज कर रहा है। फाइनल पेमेंट टू सी इज मेड ऑन February 1, 2018। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीना हम लोगों ने 1,20,000 रुपया यूज किया है। ठीक है, 1,20,000। द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 months अमाउंट्स टू 28,000। तो ये 3 महीना ये यूज किया है तो 3 महीने का जो प्रॉफिट है 28,000 है। तो क्या
सी को इस 28,000 में सी का भी हिस्सा है, यही तो बात हम लोगों को समझना है और समझाना है। ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, बट पूरा चांस है एग्जाम में आने का, ठीक है। छोटा छोटा ये दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, तो प्लीज़ गलती मत करिएगा, लिखना होगा आपको एग्ज़ाम में। अंडर 37 सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट सी कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। तो सी के पास दो ऑप्शन है, एक तो सी 6% इंटरेस्ट ले सकता है, या सी बोलेगा भैया मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग दो। अब कोई भी श्याना बनिया क्या बोलेगा, जो ज़्यादा होगा उसको वही चाहिए, विच एवर इज मोर, ठीक है। तो शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट इज मेड इज 28,000, ठीक है। तो सी का जो हिस्सा है 120,000 बाई टोटल कैपिटल, तो इतना हिस्सा मेरे को दे दो, 13,714 रुपीस, या भैया 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 1,800 रुपया दे दो। तो भैया हम इंटरेस्ट क्यों लेंगे, हम तो प्रॉफिट लेंगे, क्यों? क्योंकि सेक्शन 37 ऐसा कहता है कि मैं प्रॉफिट मांग सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर फर्म में ए एंड बी अगर समझदार व्यक्ति थे तो उनको तुरंत ये 120,000 रुपया तुरंत उनको सेटल कर देना चाहिए था। जो सेटलमेंट उन्होंने 1 फरवरी को किया, उनको ये 1 नवंबर को ही कर देना चाहिए था, बट कई बार ऐसा होता नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया ये नहीं कर पाने का ये खर्च या ये लॉस या सामने वाले को फ़ायदा आपको देना पड़ेगा। सिंस ऑप्शन 1 इज बेनिफिशियल फॉर सी, he will necessarily go for his proportionate share in profits. तो एकदम सही बात है, जो मेरे को ज़्यादा फायदा मिलेगा मैं उसी को ही ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा।
आइए देखते हैं अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेड पार्टनर. पार्टनर जी नहीं रहे, अब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको पैसा देना है. सो व्हेन अ पार्टनर डाइज द अमाउंट पेबल टू हिम और हर इज पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. द रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग. देखो भाई पार्टनर थे हम, ठीक है, तो अब मिलना चाहिए, जो मेरा हक है वो मिलना चाहिए. द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर. तो सबसे पहले तो जो कैपिटल है वो मिल जाना चाहिए, राइट? कोई डाउट नहीं जी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड अप टू द डेथ, डेट ऑफ डेथ. अप टू द डेट ऑफ डेथ क्यों? क्योंकि भैया उसके बाद तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैपिटल वापस दे दे रहे हो. जब कैपिटल वापस दे दे रहे हो तो इंटरेस्ट उसके बाद क्यों मिलेगा, ठीक है जी. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा? अरे भाई गुडविल जो है उसमें, लेट से अगर मेरे पिताजी नहीं रहे तो, और मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं तो बोलूँगा अरे भाई गुडविल जो है वो तो हमारे पिताजी की मेहनत का कमाई है. आज जो गुडविल है तो उसका भी हिस्सा हमको मिलना चाहिए. शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स. बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स है वो बेसिकली था क्या, वो तो प्रॉफिट था, ठीक है, वो प्रॉफिट का नाम बदल दिया, रिजर्व कर दिया, ठीक है. कुछ पैसा जैसे हमको मिला 500 रुपया, उसको मैंने रिजर्व रख दिया 300 रुपया, नाम हो गया रिजर्व, ठीक है. बट ये तो मेरा ही पैसा था, ठीक है, तो इसी पैसे को वापस ले लेना होगा, तो इसमें कोई कहानी तो नहीं है, मिल जाना चाहिए. शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. मेरे ख्याल से ये भी मिलना चाहिए. अब देखो 1 करोड़ का जमीन खरीदा था हमने, बैलेंस शीट में आज भी वो 1 करोड़ का ही है, बट हमें पता है कि अब उसका कीमत 11 करोड़ हो गया, रीवैल्यू कर दिया. तो जैसे ही 10 करोड़ का मुनाफा हुआ या इजाफा हुआ, तो दिस 10 करोड़ वुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेट्स से 2 कैपिटल 50-50. तो 5 करोड़ तुम्हारा, 5 करोड़ मेरा. ये नहीं कि बैलेंस शीट में आज भी 1 करोड़ पे ही है, नहीं जी, रीवैल्यू करिए. ज़मीन का एक्चुअल कीमत है 11 करोड़ का, तो 5 मेरा और बनता है. और अभी तक बिजनेस कर रहे थे पापा, रोज ऑफिस जा रहे थे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ और शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी. तो लगभग देर आर 6 आइटम्स जो डेथ के बाद मिलता है. तो ये 6 आइटम्स आपके सामने हैं. ठीक है, हमने वापस से क्लियर कर दिया पेज को. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नहीं 7 आइटम है जी, ठीक है जी. तो 7 आइटम्स वापस से, कैपिटल, इंटरेस्ट, गुडविल, कैपिटल, इंटरेस्ट, गुडविल, रिजर्व, रीवैल्यूएशन और रिजर्व रीवैल्यूएशन प्रॉफिट. अरे रिजर्व रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है. वॉट एवर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है आप समझ चुके हो, याद रखना आपको. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर. सच प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्यों जी, ऐसा क्यों? After ascertaining the amount due to the deceased partner, it should be credited to his executor's account. If the death of the partner occurs during the year, the representatives of the deceased partner are entitled to his or her share of profits earned till the date of his death. Such profit is ascertained by any of the following methods. तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाद में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं. टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है. इन दिस केस इट इज़ अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट हैज़ बीन अर्नड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर. टाइम बेसिस पे यूनिफॉर्म प्रॉफिट, अगर लेट से 1 लाख या 12 लाख का प्रॉफिट हमने किया है साल में, तो टाइम बेसिस में हम ये समझेंगे कि हर महीना हमने 1 लाख रुपया करके प्रॉफिट किया. बट क्या रियल लाइफ में ऐसा होता? नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी प्लस कभी माइनस होते रहता है.
So the total profit of the previous year is 2,25,000 rupees, and a partner dies 3 months after the close of the previous year. तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा कि देखो प्रीवियस ईयर को हम लोग बेस बना रहे हैं कहीं ना कहीं, प्रीवियस ईयर को हम लोग बेस बना रहे हैं, ठीक है, कि जैसे लास्ट ईयर 225,000 था, तो लास्ट ईयर 225 डिवाइडेड बाय 12 कर दो हर महीने का इक्वल, तो अभी आप 3 महीने तक थे तो उस हिसाब से, सो द प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स इज 31,250, ठीक है, दैट इज 125 इंटू 3/12, 125 क्यों भाई, ऊपर में तो 225 लिख रखे हैं, कहाँ गलती हो रहा है, देखो कहाँ गलती हो रहा है, अगर 2,25,000 करते हैं डिवाइडेड बाय 12 करते हैं इंटू 3 करते हैं तो आता है 56,250 रुपये, ठीक है, और अगर 125 करते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, सो इसका मतलब ये है द टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, देखो ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल में कुछ गड़बड़ हो रखा है तो कहीं चिंता मत करिए, इस 2,25,000 नहीं ये 1,25,000 होगा, ठीक है, 125, सो 3 महीने का प्रॉफिट आएगा 31,250 इफ द डिसीज पार्टनर टुक 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज और हर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज 31,250 इंटू 2/10, तो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स था, बट इंस्टीट्यूट के बुक में कुछ गड़बड़ था तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए कहता हूँ बेसिक्स को मजबूत रखो। तो ये था टाइम बेसिस, नेक्स्ट आइए टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, अगेन ध्यान दीजिएगा, द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, देयर आफ्टर द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑफ द लास्ट ईयर, प्रॉफिट इज अज्यूम्ड to be earned uniformly at the same rate, ठीक है, ये कुछ legal representatives dash करके लिख दिया, drawings, interest on drawings, share on loss of revaluation of assets and liabilities, share on loss that have occurred till the date of her or his death, ठीक है जी, ये कुछ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं लग रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, इसको एक बार अपने इग्नोर कर देते हैं, आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, अरुण तरुण एंड नेहा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, नेहा डाइज ऑन 31 May 2016, सेल्स फॉर द ईयर 2015-16 अमाउंटेड टू 4 lakhs and the profit on sales is 60,000. So 4 lakh ka sale tha ji aur 60,000 ka profit tha. To ek to ye samajh mein aa raha ki 4 lakh ka 15% matlab sales ka 15% profit hai. Accounts are closed on 31st March every year. Theek hai ji. Aur sales from April 2016 to 31st May 2016 is 1 lakh rupees. तो अगर अप्रैल प्लस मई, क्योंकि 31st मई को ही नेहा का डेथ हुआ है, तो ये 2 महीने का पूरा मुनाफा नेहा जी को मिलना चाहिए, सो 15% अगर हमें पता है तो 1 lakh का 15% होता है, प्रॉफिट इज 15,000 रुपया, तो ये हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रॉफिट 15,000, क्या नेहा का प्रॉफिट हुआ, अरे नहीं भाई, नेहा का नहीं, पूरा फर्म का प्रॉफिट हुआ है, 3:2:1 के रेशियो में बट जाएगा, ठीक है, सो बांटना तो हम लोगों को आता ही है, सो कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट फ्रॉम 1 April 2016 टू 31st May 2016 ऑन द बेसिस ऑफ सेल, इफ सेल्स आर 4 lakh प्रॉफिट इज 60,000, so if sale is 1 lakh profit is equal to 15,000,
So Neha share is 15,000 into 1 by 6, 2,500. Alternatively, profit is calculated as, ye jaise humne 15% nikala, to sale up to the death 1 lakh, to profit is 15,000. The above adjustments are made in the capital account of the deceased partner, theek hai ji, and then the balance in the capital account is transferred to the account opened in the name of his or her executor, theek hai ji, kyunki unko dena hai. The payment of the amount of the deceased partner depends on the agreement. Agreement mein kya likha hua hai? और अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द फाइनल पेमेंट. अगर पार्टनरशिप डीड में 9% लिखा हुआ है तो ठीक है जी, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 6% तो देना ही पड़ेगा. आप किसी का पैसा ऐसे यूज नहीं कर सकते हो. स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ डेथ. तो लास्ट पॉइंट जो था, देखा जाए, हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा, तो कुल मिला के ये पॉइंट अपने को समझना था, शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है. तो बाकी ये सब का तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, सिर्फ शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी बचा है. बहुत ज़्यादा इजी है, टेंशन मत लीजिएगा प्लीज़. सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं. इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स जनरली गेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिसे हम लोग प्यार से JLP भी कहते हैं, इन नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स. इफ पार्टनर एक्सपायर्स देन पार्टनर्स आर एंटाइटल फॉर शेयर इन JLP. सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड. सो मेथड नंबर 1 में आ जाते हैं. इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी डज नॉट अपियर इन द बैलेंस शीट देन द फर्म विल गेन ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. फॉर एग्जांपल, A, B, and C आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 5:3:2. दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 lakh rupees. नाउ इफ ए डाइज द फर्म विल रिसीव 1 lakh, ठीक है जी, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. तो भाई कोई भी मरे, A, B, C तीनों के नाम पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी है. जॉइंट मतलब ही तीनों का जिंदगी को ज्वाइन कर दिया गया. भैया ए मरे, बी मरे, सी मरे, कोई भी तीनों में से मर जाए तो फर्म को 1 lakh rupees मिल जाएगा. अब भैया मारते किसको? ए को मार देते हैं, तो किसको मिलेगा? ए को पैसा मिला नहीं जी, फर्म को मिल रहा है पैसा. फर्म को कितना मिल रहा है? 1 lakh rupees, 1, 2, 3, ठीक है. कौन दे रहा? इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, ठीक है जी. हिस्सा क्या था? 5:3:2, 5:3:2. तो 5:3:2 अपना प्रॉफिट शेयरिंग है, मिला अपने को 1 lakh rupees. जॉइंट लाइफ पॉलिसी था, कोई भी मरे 1 lakh rupees फर्म को मिलेगा. सो जर्नल एंट्रीज क्या होगा? बैंक अकाउंट, किसका बैंक अकाउंट? फर्म का बैंक अकाउंट, 1 lakh rupees आ गया जी टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, 1 lakh rupees. पॉलिसी वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑन एज डेथ, ठीक है. अब इसे वापस से जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट करिए, 1 lakh rupees. और क्योंकि इनका शेयरिंग क्या था? 5:3:2, तो 5:3:2 में बांट दो, ठीक है. ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, तीनों को मिल गया, तीनों को मिला, ध्यान दीजिएगा, हाँ, तीनों को मिल गया. मरा कोई, मिला तीनों को. मरता है ए, मिलता है तीनों को, ठीक है जी, मिल गया. मेथड नंबर 2, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट
at surrender value. Then the firm will gain on the death of the partner. AB example, for example, A, B and C are in the partnership sharing profits and losses at the ratio 5:3:2. They took a joint life policy of 1 lakh, which is appearing in the balance sheet at the surrender value of ₹10,000. कहने का मतलब ये कि अगर आज इस पॉलिसी को हम सरेंडर कर दें, वापस कर दें, तो हमें 10,000 रुपया मिलेगा, मगर अगर कोई मर जाता है तो 1 लाख मिलेगा, ठीक है. सो नाउ इफ ए डाइज द फर्म विल रिसीव 1 लाख फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, तो वही बात है, बैंक में कितना आया, एक मिनट रुकिए, इसको हटा देते हैं. बैंक में कितना आया, 1 लाख. जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख. ठीक है, पॉलिसी वैल्यू रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑन एज डेथ. ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू जब 10,000 दिखा रहा था, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 10,000 तो मिल ही रहा था, ठीक है, बट अब मरने के बाद मिला कितना, 1 लाख, तो कुल मिला के 90,000 रुपया ज़्यादा मिला. ठीक है, एकदम सिंपल वे में समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं. सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अब इस सिचुएशन पे 90,000 को 5:3:2 में डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल. मैं अभी बहुत शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सी ए इंटरमीडिएट में दोस्त इसको बहुत डिटेल्ड स्टडी करना है. सी ए फाउंडेशन पे बहुत बेसिक से क्वेश्चन आने वाले, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करें. फाउंडेशन का एग्ज़ाम वैसे भी मेरे को नहीं लगता कि जनरली डेथ से क्वेश्चंस आने के चांसेस मेरे को लगता है कम है. ठीक है, दे वुड लाइक टू गो विद अ सिंपल क्वेश्चंस. वट एवर, ये जितना है हमने अभी समझाया आप समझ गए होगे आराम से, क्योंकि 10,000 रुपया बैलेंस शीट में ऑलरेडी था. सरेंडर वैल्यू मतलब अगर आज हम सरेंडर कर देते इस पॉलिसी को तो 10,000 रुपया मिलेगा. डेथ के बाद 1 लाख रुपया मिला है, तो 90,000 का फ़ायदा दिखाया जा रहा है. ठीक है, तो इसे 90,000 को बांट लिया गया. मेथड 3, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू अलोंग विथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व. ठीक है, रिजर्व भी कुछ है. देन द फर्म विल गेन ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर एंड रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर. देखो, कोई भी रिजर्व है भाई, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं बहुत ईजी वे में चल रहा हूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एकदम बेसिक्स में है भाई. रिजर्व है तो सभी का है, तो भैया बांट दो. फॉर एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एट द रेशियो 5:3:2. दे टुक अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख which is appearing in the balance sheet at a surrender value of 10,000 along with JLP reserve. Now if A dies, the firm will receive 1 lakh from the insurance company. So bank mein aa gaya 1 lakh, theek hai ji, aa gaya. Joint life policy 90,000 ko 45, 27 and 18. Theek hai. Aur joint life पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को भी बांट दो, बांट दो, बांट दो. ठीक है, तो रिजर्व भी भैया बट जाएगा, बट गया. ओके, ठीक है जी. सो स्पेशल ट्रांजैक्शन, ध्यान रखिएगा, बस अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं रिजर्व है तो उसको भी बांटना है. ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा. Special transactions in case of death, separate life policy. What do you mean by separate life policy? Instead of taking one joint life policy, अभी तक तो हमने पढ़ा joint, मतलब A, B, C में तीन, कोई भी मरे मिल जाएगा. अब यहाँ हो रहा है separate life policy. अब ऐसा क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि भाई A, B partner थे, पहले ए ने ले लिया, फिर बाद में बी ने लिया, सी बाद में आया तो सी का बाद में ले लिया. क्योंकि अगर एक साथ जॉइंट करेंगे तो शायद सरेंडर करो फिर जॉइन करो, नुकसान होता होगा पॉलिसी प्रीमियम का.
सो ठीक है, अलग अलग ले लेते हैं. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, द पार्टनर्स मे टेक इंडिविजुअल पॉलिसीज ऑन द लाइव ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर्स. द प्रीमियम पेड इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, जो जो भी प्रीमियम दिया जा रहा है अपना ही प्रॉफिट से निकल रहा है, चाहे भैया ए का दे, बी का दे, सी का दे, किसका खर्चा हो रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखाया जा रहा है, मतलब अपना प्रॉफिट कम हो रहा है, सबका प्रॉफिट कम हो रहा है, चाहे पॉलिसी ए का प्रीमियम पेमेंट हो या बी का हो या सी का हो. खर्चा कौन दे रहा है? खर्चा फर्म दे रहा है, ध्यान रखिएगा. अगर खर्चा फर्म दे रहा है तो मुनाफा भी फर्म का होगा, स्वाहा. ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर देन ओनली द अमाउंट फॉर विच द डिसीज्ड पार्टनर वॉज इंश्योर्ड वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. ऑफकोर्स जो मर रहा है उसका जितना भी इंश्योरेंस कवरेज था वही पैसा मिलेगा. ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू सर्वाइव. देखो जब JLP का बात था तो भाई एक भी पार्टनर मर गया, ठीक है, सब कुछ मिल गया, बट यहाँ पर जो मरा है उसी का पॉलिसी का पैसा आएगा, बाकी जो जिंदा है उनका पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा. ये तो मेरे ख्याल से एकदम ईजी सी बात है. बट द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया. अब देखो क्या हो रहा है इसमें, मैं आपको बता दे रहा हूँ. ए बी सी, लेट्स से सी चले जाते हैं भगवान के पास. ए एंड बी का पॉलिसी तो जिंदा है. जब भी पॉलिसी जिंदा होता है प्रीमियम कौन दे रहा है? प्रीमियम दे रहा है फर्म. अब ये मरेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, ये बात तो सही. बट अपने ये तो, अब जैसे सी मर गया, अब सी का जो बेटा है वो ये बोलेगा भैया आप लोग भी मरिए फटाफट, मेरे पापा मर गए, अब आप लोग भी मरेंगे तो पैसा आएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता. मगर अब आप जिंदा है, जिंदा रहते समय सरेंडर वैल्यू बोलकर एक वैल्यू होता है, सरेंडर वैल्यू. ठीक है, अब सरेंडर वैल्यू जो है, सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट मतलब ये पूरा फर्म का बेनिफिट है कि अगर आज इस पॉलिसी को फर्म सरेंडर करता है तो क्या पैसा मिलता है. अब एक्चुअल में सरेंडर नहीं कराएंगे, बट ये जो फर्म का जो बेनिफिट था, लेट्स से सरेंडर करने से 10,000 का बेनिफिट है, तो ये 10,000 का बेनिफिट किसका है? ये बेनिफिट फर्म का है. तो हमारे पिताजी भी तो फर्म में थे, अभी भले ही नहीं रहे, तो ये 10,000 में से जो उनका मुनाफा का जो बात है वो भैया हमको दे दो. ये कौन बोल रहा है? ये सी बोल रहा है. आप लोग मरिए मत, आप लोग जिंदा रहिए भैया, ऐसा कोई बात नहीं है. बट आपके पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है, क्यों क्यों क्यों? अरे नहीं नहीं प्रीमियम तो फर्म ने दिया था ना, प्रीमियम तो आप अपने घर से नहीं दे रहे थे, प्रीमियम आपका, प्रीमियम का पैसा फर्म दे रहा था, तो सरेंडर वैल्यू का जो बेनिफिट है वो फर्म का है. तो आज हमारे पिताजी आउट हो रहे हैं इस फर्म से, बट जितना भी बेनिफिट्स जो था फर्म का, जो उनको मिलना चाहिए वो दे दीजिए. तो ये लॉजिक है इसमें. सो सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर्स वुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर. इन अदर वर्ड्स the legal representatives would be entitled to receive share in the surrender value equivalent to the profit ratio of the deceased. हमारे पिताजी का जो भी रेशियो था उस रेशियो में हमें आप लोगों का सरेंडर वैल्यू का भी पैसा चाहिए. ठीक है जी, तो देखो बात अगर हम समझ गए हैं तो ये उसके बाद हम लोग कर लेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट जो भी अपने को अश्योर्ड वैल्यू मिलना था टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ द डिसीज पार्टनर. ठीक है जी, तो पॉलिसी वैल्यू रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर. तो अगर 2 लाख का था तो 2 लाख 2 लाख हो गया. सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ द डिसीज पार्टनर, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, ये हो रहा है सरेंडर वैल्यू. ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू का भी जो कैलकुलेशन है वो हम लोग कर लेंगे. टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, to remaining partners total value distributed in the profit sharing ratio. तो भाई बात मोटा मोटी यही है कि surrender value भी मिल जाएगा profit sharing ratio में. Being the total assured value of the deceased partner's life policy
and the surrender value of the other partner's life policy distributed in the profit and loss sharing ratio. तो मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर है, मामला क्लियर है, तो जब इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है. सोना, गब्बू एंड अमित आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो सोना का पॉलिसी 1,00,000 रुपया का, और सोना के पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 10,000 का, गब्बू का 2,00,000 का सरेंडर वैल्यू 20,000, अमित का 3,00,000 और सरेंडर वैल्यू 30,000. ठीक है, ध्यान से एक देखिएगा, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा अभी. इफ अमित डाइज तो मरता कौन है? अमित मरता है, मरजा भाई. कैसे बोलते हैं सर? अरे नहीं भाई, ऐसे ही बोल रहा हूँ. ठीक है, तो अमित अगर नहीं रहते हैं तो अमित डाइज, देन अमित एग्जीक्यूटिव विल गेट वॉट? भैया जैसे ही अमित साहब मरते हैं तो 3,00,000 रुपया आता है. अमित साहब का हिस्सा है 3:1:1, मतलब 1/5 शेयर है इनका. ठीक है, सो अमित इज गेटिंग 3,00,000 का 1/5. ठीक है, एंड सरेंडर वैल्यू जो सोना का 10,000, गब्बू का 20,000, तो 30,000 का भी 1/5 अगर करें हम तो ये आएगा 6,000 रुपया. तो 30,000 तो भैया खुद के 3,00,000 का 1/5 होता 60,000, सॉरी. तो 60,000 तो खुद के मरने के अकाउंट का, और ये जो जिंदा है इनके सरेंडर वैल्यू का भी पैसा चाहिए हमको. तो 60,000 खुद के मरने का, 6,000 बाकी लोगों का जिंदा रहने का, और जिंदा रहने का क्या सरेंडर वैल्यू, भूलिएगा मत. ठीक है, सो इनको मिलेगा 66,000 रुपीज़. तो ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए. स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ डेथ, पेमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर. द बेसिक डिस्टिंक्शन मतलब क्या डिफरेंस है बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर रिलेट्स टू द फाइनलाइजेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. रिटायरमेंट में और डेथ में यही बात है कि फाइनलाइजेशन, पेमेंट जो देना है किसको देना है, एग्जीक्यूटर को देना है. ऑल्दो रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डन इन द सेम वे एज इट हैज बीन डन इन द केस ऑफ रिटायरमेंट. तो गुडविल के लिए कोई स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट नहीं है. इन एडिशन द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. जब तक हमने काम किया तब तक का प्रॉफिट तो हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एट द रेशियो ऑफ 2:2:1. सो ए बी एंड सी 2:2:1. ए डाइड ऑन 15th April 2016. तो कौन जाता है? ए चला जाता है. द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st December एवरी ईयर. अगर दिसंबर में क्लोज हो रहा है और मैं अप्रैल में मरता हूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल, मतलब आधा अप्रैल, मतलब 3.5 months. सो द एग्जीक्यूटर ऑफ ए इज एंटाइटल्ड फॉर 3.5 months प्रॉफिट इफ ए शेयर इज इमीडिएटली पेड ऑफ. अब देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि 3.5 months का प्रॉफिट, बट कई बार ऐसा होता है ना कि तुरंत का तुरंत तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? बट तुरंत का तुरंत कैलकुलेट करना है, हमें हिसाब क्लोज करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो हम लोग लास्ट ईयर के पास जा सकते हैं, लास्ट ईयर. ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था. सो इफ ए शेयर इज इमीडिएटली पेड ऑफ देन प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये थोड़ा सा एरर है, ये 2015 होगा यहाँ पर, क्योंकि वो मरते हैं 2016 में, देखिएगा आप. ठीक है, ए डाइड ऑन 15th April 2016. सो ये रेफरेंस थोड़ा सा गलत है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में. सो देन प्रॉफिट फॉर ईयर 2015 कैन बी टेकन एज अ बेस फॉर कैलकुलेटिंग 3.5 months प्रॉफिट इन द ईयर 2016. If Messrs. A, B and C earned 96,000 in the year 2015, then 3.5 months profit is 28,000. कैसे? 96 divided by 12 करो तो 8,000 रुपया महीना आएगा. सो 8,000 into 3 वा 24, और 8,000 का आधा हुआ 4, तो 28,000 एकदम सही है. A share comes to
28,000 का 2/5 था उनका, तो 2/5 इंटू 28 ये बिल्कुल सही है, 11,200। सो जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,200 टू एज कैपिटल 11,200, शेयर ऑफ ए 3.5 मंथ्स प्रॉफिट इन 2016 इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट ऑन डेथ। तो इमीडिएट हमने ट्रांसफर किया है, तो इमीडिएट ट्रांसफर कैसे किया, हमने प्रीवियस ईयर को बेस बना के हमने 11,200 रुपया इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तब तक ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ही चल रहा है। चलो जी ठीक है जी, एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है हमारे आंख के सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 1। कुल मिला के 4 इलस्ट्रेशन है डेथ ऑफ द पार्टनर में। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लेते हैं। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2 एज ऑन 31 मार्च 2016। मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 दिसंबर 2016। हिज अकाउंट हैज़ टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। तो बैलेंस शीट देख लीजिए एक बार पहले, बैलेंस शीट में गुडविल आया हुआ है, ठीक है, राइट ऑफ करना होगा, कर देंगे। बिल्डिंग को रीवैल्यू किया गया है 1,40,000 में, हम लोग बाद में देखेंगे। कंप्यूटर को शायद 50,000 में रीवैल्यू किया गया है। इन्वेंट्री को शायद 16,000 में किया गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को 6,000 में किया गया है। जो भी है ये अपने सामने है। ट्रेड पेबल्स, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स हमने सब देख लिया है। अब क्या बता रहे हैं ये देखिए, गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 3 ईयर्स आर बिलो। सो 31/3/2016 को प्रॉफिट हुआ 30,000, लास्ट ईयर हुआ 20,000 और उससे पहले हुआ 10,000 का लॉस। बोल रहे हैं कि 2 ईयर का परचेज ऑन द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, तो एवरेज ऑफ 3 ईयर्स होगा ये 50,000 और ये 40,000। सो 40,000 डिवाइडेड बाई 3। नो, इतना हरी नहीं भैया, हरी नहीं, डोंट बी इन सच अ बिग हरी। आगे देखो, अभी क्वेश्चन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 1/4/2016 to 31/12/2016, भाई साहब कब मरते हैं, 31/12/2016 को, राइट, बिल्कुल। सो ये 9 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9 मंथ्स का प्रॉफिट भी देना है हमें। शैल बी असर्टेन प्रपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो गुडविल जो निकालना है, गुडविल बोलते हैं 3 ईयर्स का एवरेज इंटू 2 ईयर्स परचेज, ठीक है, तो गुडविल निकल गया। और प्रॉफिट बोल रहे हैं ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर प्रॉफिट बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। सो एवरेज प्रॉफिट दोनों केस में निकालना है, निकाल लेंगे जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/3/2016, सो 31/3/2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपया। अ कार कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज ऑन 1/4/2015। देखो बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईयर एंड में ये बता रहे हैं कि एक गाड़ी जो हमने ईयर के स्टार्टिंग में खरीदा था 40,000 रुपये का, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओ माई गॉड, एक बात बताओ, अगर ये सब हम लोग कर चुके हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है, 40,000 रुपया हमने यहाँ डाल दिया, तो इससे हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा या बेसी होगा, मतलब मेरा प्रॉफिट
एक्चुअल प्रॉफिट जो 30,000 का आया है, वो अगर यहाँ पर ये 40,000 नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ये बैलेंस शीट में गाड़ी होना चाहिए था, कार। तो जैसे ही 40 हटाएंगे हम, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 70,000 का। इसका मतलब है कि ये 30,000 का प्रॉफिट गलत दिया हुआ है। मगर अगर गाड़ी बैलेंस शीट में है, तो गाड़ी का डेप्रिसिएशन तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। किस बच्चे ने ऐसा कहा? वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो चलो 40,000 तो हम यहाँ से हटा दिए, परफेक्ट है। बट यहाँ पर कुछ डालना होगा जो है डेप्रिसिएशन। तो क्या डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ लिखा हुआ, देखते हैं। ठीक है, अकाउंट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम। तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन 40,000 पे 20% होगा 8,000। तो 8,000 यहाँ आ जाएगा। जैसे ही 8,000 यहाँ आएगा, ये 70 नहीं होगा, ये -8 हो जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रियल प्रॉफिट इज नॉट 30 बट 62। द एसेट इज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट एट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है जी, सो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे हम लेकर आएंगे 32,000 पे। अदर वैल्यू ऑफ एसेट्स वर अग्रीड एज फॉलोज। इन्वेंट्री 16, बिल्डिंग 140, कंप्यूटर्स 50, इन्वेस्टमेंट 6,000, ट्रेड रिसीवेबल्स वर कंसिडर्ड गुड। अब देखो क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1/4/2016 टू 31/3/2016। ये अपने को पता है एवरेज 3 ईयर्स चाहिए, गुडविल अपने को पता 2 ईयर्स परचेज चाहिए। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन्स द सेम। रीवैल्यूएशन प्रिपेयर हम लोग कर चुके, बहुत ईजी होता है, वापस से कर लेंगे। Prepare partners capital accounts and balance sheet of the firm Om and Company as on 31/12/2016। तो क्या हम रेडी है? बहुत ईजी है, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ये बहुत कर चुके हम। So calculation of goodwill and Z share of profit। So profit अपने को 30,000 दिया हुआ है, गाड़ी का कॉस्ट ऐड करो, डेप्रिसिएशन लेस करो, ठीक है, तो कुल मिला के ये आया 62,000। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो 2014 में लॉस है 10,000 का, यहाँ 20,000 का मुनाफा, यहाँ 62,000 का मुनाफा। टोटल मुनाफा 72,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 24,000। सो गुडविल इज 48,000 एंड जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ये अपने को पता है 24,000 पूरे साल का है एवरेज में, तो 9 मंथ्स का कुछ कम होगा, और इनका शेयर 1/5 है, तो कुल मिला के इनका हिस्सा आएगा 7,200 रुपये। तो ये सब बहुत इजी है, बहुत बेसिक्स है, तो इस पर ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं लग रहा कि अब इस स्टेज में आके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना है। रीवैल्यूएशन पे क्विक नज़र देखिए, रीवैल्यूएशन पे यहाँ जितना भी लॉस हुआ है, ये लॉस का आइटम, इन्वेंट्री 4,000 का लॉस, कंप्यूटर 30,000 का लॉस, इन्वेस्टमेंट 4,000 का लॉस, और बिल्डिंग में 20,000 का मुनाफा, कुल मिला के 38 का लॉस और 20 का फ़ायदा, तो 18 का नुकसान, राइट। ये 18 का नुकसान बांट दो भैया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। अब आ जाइए कैपिटल में। कैपिटल में जो बैलेंस दिया हुआ वो हमने लिख लिया है, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। यह है अपना गुडविल का कहानी, गुडविल का कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये गेन रेशियो पे दिया हुआ है, और जो बुक्स में दिया हुआ है इसको यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया गया है। और गाड़ी जो है, देखो अपने को बोला गया था कि गाड़ी को लाना है बुक में, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इसका अगर आप टोटल देखोगे तो 12,800, दिस कम्स टू 24,25,600 एंड 6,400। तो कुल मिला के गाड़ी का दाम 32,000 रुपया था, ठीक है। सो डेप्रिशिएट करके गाड़ी को हम लोग ले आए हैं 32,000 में। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दे दिया गया है, रीवैल्यूएशन का लॉस यहाँ दे दिया गया है, जेड एग्जीक्यूटर को इतना देना है,
ये गुडविल का जो एडजस्टमेंट है और ये इनका कैपिटल का बैलेंस है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बहुत इजी सा एक बेसिक सा सम था, इसीलिए हमने बहुत इसको थरली देख कर ही कर लिया है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी। तो इलस्ट्रेशन टू में आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन टू देखते हैं पहले। कुल मिला के चार इलस्ट्रेशन है डेथ ऑफ द पार्टनर में। तो इलस्ट्रेशन वन तो बहुत ज़्यादा इजी था, इलस्ट्रेशन टू पहले थोड़ा सा आप रीड करिए, उसके बाद हम और आप दोनों मिलकर रीड करेंगे।